गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू टूअर ऑनलाइन क्लासेज ऑफ इंग्लिश बाय सेंट एजल्स पब्लिक स्कूल बाबर स्टूडेंट टूडे विशेल रीड चैप्टर वन ऑफ योर इंग्लिश बुक द नेम ऑफ द चैप्टर इज तेनाली मेट्स बाबर बिफोर स्टार्टिंग आई मस्ट टेल यू दैट यह कहानी तेनाली राम के बारे में है तेनाली राम के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा तेनाली राम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे तेनालीराम की बुद्धि और ज्ञान से संबंधित किस्से दूर दूर तक पहुँचे थे बहुत जल्द ही उनके ये किस्से दिल्ली के मुगल दरबार में पहुँच गए जब बाबर ने तेनालीराम के बारे में सुना तो उसने उससे मिलना चाहा और अपना एक दूध तेनालीराम को लाने के लिए विजयनगर भेज दिया सो स्टूडेंट्स नाउ वी शेल रीड वॉट हैपन वैन द मैसेंजर मीड्स टू द एम्पर लेट स्टार्ट अवर एम्पर वॉन्ट्स टू मीट तेनालीराम योर हाइनेस प्लीज सेंड हिम विद मी टू दिल्ली बाबर का जो मैसेंजर होता है वो विजयनगर के राजा मीन्स कृष्णदेव राय से कहता है कि हमारे सम्राट एम्पर मीन्स सम्राट या फिर राजा हमारे सम्राट तेनालीराम से मिलना चाहते हैं महाराज कृपया कर आप उसे मेरे साथ दिल्ली भेज दीजिए डोंट वरी तेनालीराम विल गो विद यू फिर कृष्णदेव राय जी महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो तेनालीराम तुम्हारे साथ जाएगा तेनाली आई ऑर्डर यू टू गो विद दिस मैसेंजर टू द मुगल कोर्ट एंड प्रूव योर मेटल फिर राजा तेनाली से कहते हैं कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस दूत के साथ मुगल कोर्ट जाओ और अपनी बुद्धि साबित करो रिमेंबर द ओनर ऑफ अवर किंगडम इज इन योर हैंड और याद रखना कि हमारे राज्य का मान सम्मान अब तुम्हारे हाथों में है इफ़ यू इम्प्रेस द एम्प्रर एंड गेट अ रिवार्ड फ्रॉम हिम अगर तुमने सम्राट को खुश कर दिया और उनसे पुरस्कार पा लिया आई प्रोमिस टू गिफ़्ट यू टेन थाउजेंड गोल्ड कॉइंस मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें दस हज़ार सोने के सिक्के गिफ्ट में दूँगा नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज वेन बाबर हियर ऑफ तेनालीस अराइवल ही समियर्स कोर्टियर्स होते हैं जो दरबार में रहने वाले दरबारी होते हैं जब बाबर ने तेनाली के आने की खबर सुनी तो उसने अपने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि यू ऑल नो ही इज अ वेरी विटी मैन तुम सब जानते हो कि वह बहुत मजाकिया आदमी है हावेवर इफ़ आई फाइंड एनी वन लाफिंग एट हिज जोक्स दैट पर्सन विल बी पनिस्ड हालांकि अगर मुझे कोई भी उसके जोक पर हंसता हुआ मिला मैं उस इंसान को उस आदमी को दंड दूंगा एट द रॉयल कोर्ट तेनाली ट्राइड मैनी एंटिक्स बट नो वन स्माइल एंटिक्स होते हैं जो मजाकिया हरकतें होती हैं जोक्स वगैरह जो लोगों को हंसाने के लिए की जाती हैं रोयल दरबार में यानी शाही दरबार में तेनाली ने बहुत सारी मजाकिया हरकतें कोशिश करी लेकिन कोई भी नहीं मुस्कुराया फिफ्टीन डेज पास बाय पंद्रह दिन बीत गए बट ऑल इज एफर्ट्स टू मेक पीपल लाव फेल लेकिन लोगों को हंसाने की उसकी सारी कोशिशें फेल हो गई नाव तेनाली अंडरस्टूड दैट द मुगल क्वार्टियर्स वर डेलिबरेटली कीपिंग अ सोमवर फेस डेलिबरेटली मीन्स जान बूझकर और सोम्बर मीन्स uh, उदास तेनाली को समझ आ गया कि जो मुगल के दरबारी हैं वो जान बूझकर ऐसा उदास चेहरा बनाकर बैठे हुए हैं तेनाली न्यू दैट डिफीट वुड मीन लूजिंग प्रेस्टीज एंड ऑनर फॉर विजयनगर एज वेल एज हिज ओन पोजिशन देयर तेनाली को पता था कि अगर यहाँ से हार मान ली तो उसकी उसके राज्य की मान मर्यादा और सम्मान वह गवा देगा और साथ ही जो उसका स्थान वहाँ है उसको भी वो गवा देगा सो ही थॉट ऑफ अ फ्रेश प्लान तो उसने एक फ्रेश प्लान बनाया वन डे तेनालीज एज एन ओल्ड लेबरर डिजगाइज होता है रूप बदलना और लेबर होते हैं मज़दूर एक दिन तेनाली ने अपने आप को एक बूढ़े मज़दूर के रूप में बदल लिया ही बिगेन डिगिंग एट अ प्लेस ही न्यू बाबर विजिटेड एवरी डे उसने ऐसी जगह खोदना शुरू कर दिया जहाँ उसको पता था कि बबर रोजाना आते हैं बाबर व सरप्राइज टू सी एन ओल्ड मैन विद अ वाइट बियर्ड प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग बाबर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी आम का पौधा लगा रहा है और वो तेनाली से कहते हैं वट आर यू डूइंग क्या कर रहे हो तुम योर हाइनेस आई एम प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग राम जवाब देते हैं कि महाराज मैं आम का पौधा लगा रहा हूँ देन राजा फिर कहते हैं बट यू अपियर क्वाइट ओल्ड लेकिन तुम तो बहुत बूढ़े हो इवन इफ दिस सैपलिंग टेक्स रूट ग्रोज एंड बियर्स फ्रूट वट विल यू गेन श्योरली यू विल नॉट बी अलाइव वो कह रहे राजा कहते हैं कि जब तक ये पौधा अपनी जड़ें जमाएगा बड़ा होगा इसमें फल आएंगे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा अवश्य ही तब तक तो तुम मर चुके होंगे आई एम नॉट प्लांटिंग इट फॉर माई ओन शेक फिर तेनालीराम कहते हैं कि मैं इसको अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ महाराज बट फॉर अदर्स लेकिन औरों के लिए लगा रहा हूँ आई एन्जॉयड द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय माई फादर मैंने जो पौधे मेरे पिता ने लगाए थे मैंने उनके फलों को खाया है नाउ दिस ट्री विल बियर द फ्रूट फॉर दोज हु विल लिव आफ्टर मी दैट विल बी माई रिवार अब जो इस पौधे से यानी इस पेड़ से जो फल होंगे उन्हें जो मेरे बाद जिएंगे वो खाएंगे यही मेरा पुरस्कार होगा सो so, स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही इन नेक्स्ट वीडियो वी शिल रीड द कम्पलीट स्टोरी थैंक यू